फतेहपुर जिले में अभी भी बहुत से नगर और कस्बे हैं, जहां पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। उन्हीं में से एक असोथर है, जिसको आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। और एक सप्ताह हुए बारिश के, तब ये हाल है। और जब बारिश होती है तब तो रास्ते को ढूंढना पड़ता है। आप लोगों को बताते चले कि बारिश में कोई नाते रिश्तेदार असोथर आना नहीं पसंद करते। और असोथर यमुना नदी किनारे का एक महत्वपूर्ण कस्बा है, लेकिन यहाँ किसी बड़े अधिकारी की नजर नहीं पहुँच पाती या फिर कागज तक सीमित है। आप लोगों को बताते चलें, यमुना बेल्ट के लिए नरहनी और गाजीपुर के बीच में असोथर ही है, जो रोजमर्रा जैसी वस्तुओं के लिए जाना जाता है। यहाँ रोड किनारे सब्जियों की जो दुकानें देख रहे हैं, यहीं सब्जियों से किचन और थालियों की शोभा बढ़ाती है। लेकिन ये देखकर लगता है कि सब्जियों के साथ बीमारियों को भी लोग खरीद कर ले जाते हैं। लोगों से पूछताछ की तो कैमरे के सामने बोलने से पीछे हटते हैं। आइए सुनाते हैं क्या कहते हैं लोग। एमपी यूजकास्ट ब्यूरो फतेहपुर से संजय पटेल, कैमरामैन अजय मौर्य के साथ। भाई घुस जाऊं क्या बोला? हाँ चलेगा, घुस जाओ। आपका परिचय क्या है? आपका परिचय? हम यहीं के रहने वाले हैं। आपका नाम? हमारा नाम अवधेश कुमार अग्रहरी। ये कौन सा मार्ग है? ये हल्लावा मार्ग। ये जो पानी भरा हुआ है रास्ते पे, ये क्या ऐसे ही रहता है? ऐसा ऐसे ही रहता है बरसात। हर साल भरा, 12 महीने इसी तरह जल भरा रहता है। 20 साल हो गए यहाँ रहते हैं। हमारा गांव भैरवा है, सुंदर रहते हैं। 20 साल जल भरा। परसों डीएम महोदय आए थे, परसों यहाँ पे डीएम महोदय आए थे, तो ब्लॉक घेरा, पावर हाउस घेरा, अस्पताल घेरा। लेकिन जब हमने कहा चलो पैदल इनको घुमाते हुए, तो किसी नेता के मुंह से आवाज नहीं निकली कि नहीं इस रोड से पैदल चलो। किसी ने नहीं ले गया, और बल्कि मेरा दांत मुंह पकड़ने लगे कि आप फालतू चिल्ला रहे हैं। कौन पकड़ा आपका मुंह?